मौलाना मेहून मदनी के माध्यम से जो बात आई है, डीएम आलोक साहब ने जो कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने बगैर इजाज़त के प्रोग्राम किया, भाषण दिया, तो इसके मुतालिक आज देखा गया है कि लोगों में तीसरा दिन है प्रोटेस्ट का, इसमें लोगों में काफ़ी गुस्सा देखा गया, जिसके माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए कुछ आदमियों में नहीं देखा गया, बच्चे के अंदर इसका बहुत बड़ा रंज है। मौलाना महमूद मदनी की जात कोई मामूली जात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ये मदनी ख़ानदान के उन जिम्मेदारों में से हैं जिन्होंने रात और दिन अपने आप को कुर्बान करके मुल्क को आज़ाद कराया है। मौलाना महमूद मदनी की कोई आज़ाद फाउंडेशन के मामूली चीज़ नहीं है, वो जमीयत उलमा के कायद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मुल्क जमीयत के साथ में मुकम्मल तरीके से जुड़ा हुआ है। हजरत के हुक्म के साथ में तमाम आदमी चलने के लिए, हिंदू तक भी चलने के लिए तैयार है, मुसलमान तो बच्चा बच्चा चलने के लिए तैयार है। इसलिए ये लफ्ज़ अच्छा नहीं कहा था, ये बहुत इसकी तो खुद उन्हें एहसास करके माफ़ी मांगनी चाहिए। और ये NRC और CAA जो चल रहा है और इसके खिलाफ जो आपका प्रदर्शन चल रहा है, ये कब तक जारी रहेगा? जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा, जब तक हमारा प्रदर्शन चलता ही रहेगा। और जैसे कि जेल भरो आंदोलन तहरीक आपने शुरू की है देवबंद से, तो ये आगे और भी शहरों में ले जाएंगे या नहीं? और शहरों में नहीं, पूरे मुल्क में चल कर रहेगी ये। हमें तो अपने ज़िले का है, लेकिन जहाँ हमारे मौलाना महमूद मदनी ऐलान करके गए हैं कि पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में चलेगा ये। मौलाना, जैसे कि मौलाना महमूद मदनी के माध्यम से बात आ रही है, तो उसमें कुछ आप कहना चाहेंगे कि DM आलोक साहब ने कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? हमारा ये कहना है सिर्फ कि ये प्रोग्राम जमीयत उलमा ज़िला सहारनपुर कर रही है और हमने ये तहरीक शुरू की है, और इस तहरीक में हमारे आने वाले मेहमानों के बारे में इस तरह की बात करना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है। हमारी तो ज़िला कार्यकारिणी के अध्यक्ष हज़रत मौलाना ज़हूर अहमद साहब कासमी, मैं खुद और हमारे तमाम सेक्रेटरी और नायब सदर, तमाम पूरी टीम यहाँ मौजूद रहती, तो जमीयत उलमा ज़िला सहारनपुर के ऐलान करता प्रोग्राम है कि हमारे साथ ये जो जुल्म ज़्यादती उसके ख़िलाफ़ हम धरना दे रहे हैं, तो हमारे मेहमानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर, तो उनका नंबर बाद में आता है ना। हमारा यही कहना कि पहले हमारे ऊपर करें ना जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, हमने भी तो पढ़ रखा है, हमें भी तो मालूम होना चाहिए कि हम अपनी ईदगाह में बैठ करके अगर एहतजाज करेंगे तो हमारे कौन सा कानून है जो इसके अंदर रोकता है। अच्छा, जैसे ये कहा गया है कि NRC अभी लागू नहीं हो रही है, हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि NRC कहीं लागू नहीं होगी, और उससे पहले एक चीज़ और आ गई है NPR, तो उसके सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? बस एक ही बात कहनी है कि जो चीज़ें वाजे नहीं है उसका सब चीज़ों का बायकॉट है फिलहाल। और ये प्रदर्शन जैसे आप कर रहे हैं, आज तीसरा दिन है, पहला दिन, दूसरा दिन और आज तीसरा दिन, तो ये कब तक चलता रहेगा? ये इंशाल्लाह या तो बिल वापस होगा या हमारी मौत, इंशाल्लाह झंडा ये झंडा लहराता रहेगा जमीयत उलमा हिंद का, और इसके झंडे के नीचे लड़ाई लड़ती जाएगी। ये मेरे एक आदमी से या दो आदमी के दुनिया से चले जाने से कुछ नहीं होने वाला इंशाल्लाह। ये जमीयत उलमा ज़िला सहारनपुर की कार उसमें लिखा गया है कारगुजारी में, और हम लोग साइन कर देंगे, मरते मरते भी साइन कर देंगे कि महमूद भाई एक सवाल आपसे करना था, जैसे कि पहला दिन, दूसरा दिन और आज जैसे कि तीसरा दिन है, तो हमने देखा कि पहले दिन, दूसरे दिन में आप लोग आराम से बहुत शांति के साथ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज तीसरे दिन में आपने जैसे मौलाना महमूद मदनी के ताल्लुक से एक बात कही, उसके जरिए देखा गया कि आपके अंदर ज़्यादा वलवला दिखा, ज़्यादा गुस्सा दिखा, इसकी कोई ख़ास वजह है या जैसा कि कहा गया है मौलाना महमूद मदनी को उसके लिए आप बहुत ज़्यादा वो हैं? मसला यह है कि हमने पहले दिन से ऐलान किया कि हमारी लड़ाई सरकार से, पुलिस प्रशासन से लड़ाई नहीं है। पुलिस प्रशासन को चाहिए था कि इसमें सहयोग करता, क्योंकि हमारा संवैधानिक अधिकार है जो है प्रदर्शन करना या जेल भरो तहरीक चलाना। पुलिस प्रशासन में, हमारे पुलिस प्रशासन में क्या, DM आलोक कुमार साहब ने, हमारे मेहमान आए थे महमूद मदनी साहब जो हमारे जमीयत उलमा के नाज़िमे उमूमी यानी जनरल सेक्रेटरी थे, उनके आने के बाद DM आलोक कुमार जी ने बयान दिया। बयान ये देते हैं कि महमूद मदनी जी ने ये प्रोग्राम कराया। भैया आपको पता है कि जमीयत उलमा ज़िला सहारनपुर ये प्रोग्राम करा रही है, और उस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने 144 का उल्लंघन किया है, हम उनके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे। तो हमने कहा कि चलिए आप कार्रवाई करते हैं तो हमारे खिलाफ़ कीजिए, मौलाना महमूद मदनी साहब हमारे कायद हैं, उन पर बाद में कीजिएगा। आज ये जो थोड़ा सा गुस्सा आपको नज़र आया वो इसी चीज़ का था। प्रशासन को चाहिए कि हमारी और सरकार की लड़ाई के बीच में वो माध्यम बना रहे,
लेकिन किसी का फरीक ना बने, बस इतनी से। तो आप क्या चाहते हैं, कब तक आप ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे? एक दिन छोड़ के एक दिन जो आप प्रोटेस्ट जारी किया है, जेल भरो आंदोलन चालू किया, कब तक करते? इसमें एक चीज़ तो ये समझ लें कि अभी एक दिन छोड़ के ज़रूरी नहीं है। हमने ये तरीका अपनाया है क्योंकि पुलिस वाले भी अपनी बड़ी तेज़ निगाहें रखते हैं कि जहाँ का नाम आ गया फला जगह के लोग गिरफ्तारी देंगे तो वहाँ चले जाते हैं, इसलिए हम ऐलान एक दिन पहले करते हैं। अगर हमें कल गिरफ्तारी देनी है तो रात के कहीं जाके 10-11 बजे ऐलान होता है। जैसे हम रात के 11 बजे ये फैसला किया कि आज होगी, तो ये तय नहीं है कि एक दिन छोड़ के हो, लेकिन होती रहेगी गिरफ्तारी और उस वक्त तक होती रहेगी जब तक कि ये बिल सॉरी ये कानून वापस नहीं होता, क्योंकि बिल तो नहीं रहा ये। अलबत्ता ये है कि जहाँ तक हमें खबर है कि 2 तारीख में इंशाल्लाह जमीयतुल्मा हिंद की मीटिंग है, उसमें जो फैसला अगर इस हवाले से मुल्की सतह पर कुछ होता है तो अलग मसला है, वरना हमारी ये तहरीक जैसे कि डीएम आलोक साहब ने कहा महमूद मंदी के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो आप आज के प्रोग्राम के जरिए ये कहना चाह रहे हैं कि हम तैयार हैं, मौलाना को कुछ नहीं होने देंगे? यहाँ जमा ही इसीलिए हुए हैं भाई कि हमें जेल ले जाओ, क्यों नहीं ले जा रहे? हम तो आज बिल्कुल अड़े हुए थे। हमारे साथ आज एक हिसाब से बस चालाकी की प्रशासन ने कहा कि हम गाड़ियाँ मंगा रहे हैं और हम लोग तैयार हो गए, और गिरफ्तारी के फौरन बाद उन्होंने कहा हम रिहाई कर रहे हैं। हम तो तैयार हैं जेल जाने के लिए, हमारी तहरीक ही जेल जाने के लिए, ये संविधान हमें हक देता है, आप इसे छीन नहीं सकते। तो CAA और NRC जब तक वापस नहीं होगा तब तक आपका प्रदर्शन चलता रहेगा? CAA ही नाफिज हुआ है, NRC तो अभी नहीं आया, जब तक ये वापस नहीं होता प्रदर्शन जारी रहेगा, या फिर ये है कि मरकज कोई और जो है अब हमें ऑर्डर दे, ये तो हमारे ज़िले की यूनिट का काम है और इंशाल्लाह यूनिट करती रहेगी। शुक्रिया। तो जैसा कि आज तीसरा दिन है प्रदर्शन का और आप देवबंद से बाहर के हैं, देवबंद तशरीफ लाए हैं प्रदर्शन के लिए, तो आप NRC और CAA के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? तो फिलहाल ये प्रदर्शन चल रहा है, धरना चल रहा है जैसा कि, और प्रशासन जो यहाँ का ज़िला सहारनपुर का प्रशासन इस चीज़ पर दबाव दे रहा था, और रात में भी धमकी दी गई थी, और महमूद मदनी साहब को भी कहा गया था कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, इन्होंने 144 धारा का उल्लंघन किया है इस चीज़ के ऊपर, तो इस चीज़ के ऊपर तो इन्होंने जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि इस चीज़ पर माफ़ी मांग चुके हैं ये, और ये प्रदर्शन चलता रहेगा इंशाल्लाह, धरना चलता रहेगा जब तक ये CAA और MBR NRC ये बिल वापस नहीं हो जाता। तो रोज़ाना जैसे जिस जिस दिन प्रदर्शन चल रहा है उस दिन कितने लोग अपनी गिरफ्तारी खुद दे रहे हैं? तादाद तो रखी गई 313 की है, लेकिन सभी लोग देने के लिए तैयार हैं, ये तो एक तादाद जमीयत की तरफ से मुतय्यन की गई है कि 313 लोग गिरफ्तारी देंगे, और इस 313 से भी इन लोगों को दिक्कत है। इन्होंने कहा था, ये भी कहा गया था कि भैया तो 320 हो या कम हो या ज़्यादा हो, इन लोगों को ये भी दहशत है कि भी 313 ही क्यों मुतय्यन की गए हैं, इस चीज़ पर भी इनका सवाल था। तो अच्छा, मतलब जैसे प्रोटेस्ट चलता है, लोग बाग रास्ते में निकलते हैं प्रोटेस्ट करते हैं, ये आपने एक नई तहरीक क्यों चलाई कि 313 लोग खुद गिरफ्तारी देंगे? नई तहरीक इसलिए शुरू की गई है, ये किसी जाति, किसी प्रशासन, किसी पुलिस वाले को या किसी को भी परेशान करने नहीं चाहते हम लोग। जैसे कि बाहर और देशों में मेरठ, कानपुर और लखनऊ और शहरों में प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, और उन्हीं का ही कोई आदमी इनमें घुस जाता है प्रोटेस्ट वगैरह में और वो पथराव करता है, तो फ़ायदा कुछ नहीं होता, लड़ाई झगड़ा ये करना चाहते हैं, ये कोशिश कर रहे हैं और यहाँ भी कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ की, लेकिन हम इस चीज़ को बहुत समझदारी के साथ में इस काम को कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये चलता रहेगा जब तक ये बिल वापसी नहीं होगा। बोलो तुझे मौलाना, आप किस लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, किस लिए आप गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं अपनी, और क्या चल रहा है जो देश में चल रहा है CAA और NRC को लेकर, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? CAA जो है ये संविधान के ख़िलाफ़ है और ये जो है मुसलमानों के और सारी तंजीमों के ख़िलाफ़ है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये बिल वापस ही लिया जाए, क्योंकि ये मुल्क को तोड़ने का काम कर रहा है, जो मुल्क अब से पहले टूट चुका है फिर ये मुल्क टूट जाएगा। हम जो चाहते हैं सभी जो हैं इसके अंदर कौम रहे, अब इसके अंदर जैसे कह दिया गया कि हिंदू मुस्लिम और सबको यहाँ की नागरिकता मिलेगी, उसमें मुसलमान का लफ्ज़ मुस्लिम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो इसलिए हम इसके ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि इससे ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को नुकसान होगा, बल्कि इसमें जो है दूसरे भाई जो हैं हिंदू मुस्लिम हैं सिख हैं ईसाई हैं बौद्ध हैं जैन हैं, इसके इससे सबको नुकसान होगा, और हम किसी भी सूरत में इस मुल्क को बचा के रहेंगे, हम इसलिए निकले। अच्छा, जैसे कि प्रदर्शन हो रहा है यहाँ देवबंद में, तीसरा दिन है आज, पहले दिन दूसरे दिन दोनों दिन 313 लोगों को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी दी लोगों ने अपनी, आज जो हमें देखने को मिला तो आज का दिन का माहौल पहले और दूसरे दिन से ज़्यादा लोगों में गुस्सा और नाराज़गी नज़र आई, तो आज के दिन की कुछ ऐसी ख़ास बात है कुछ?
आज के दिन की बात यह है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होगा हम ये जो है एहतजाज करते रहेंगे, धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, जेलों को भरते रहेंगे और हम ये काम दिखाने के लिए बल्कि करने के लिए कर रहेंगे। जब तक हमारे जो है खून का एक एक कतरा रहेगा हम इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे, पुरअमन एहतजाज हम करते रहेंगे और जेलों को हमेशा यानी भरते रहेंगे। ये आज नहीं बात नहीं बल्कि हम करते रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होगा। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.